स्टूडेंट्स, हम एक सेप्टिक टैंक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें पूरा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। जितने भी उसमें आइटम लगे होते हैं सभी का कैलकुलेशन किया था, लेकिन एग्ज़ाम में उतने सारे आइटम्स नहीं निकालने होते हैं, तीन चार आइटम्स ही निकालने होते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर पेपर से लिया हूँ जिसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे हमें एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ताकि हम अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें एग्ज़ाम में। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, मैं उसको लिखा हुआ हूँ एक पेज में, देखिए। अ सेप्टिक टैंक 3 मीटर लॉन्ग, यानी 3 मीटर लंबा है, 1 मीटर ब्रिथ होगा यहाँ पर, ठीक है, एंड 2.2 मीटर डीप। और ये सारी जो डिटेल्स हैं ये अंदर से अंदर का दिया हुआ है, ठीक है। इधर पे देखिए इनसाइड लिखा हुआ है, बेस कंक्रीट जो है 1-3-6 का नीचे का आधार कंक्रीट है, 15 सेंटीमीटर उसका मोटाई है, और उसका प्रोजेक्शन जो है ब्रिक वर्क जो भी होगा उसके प्रोजेक्शन से 10 सेंटीमीटर चारों साइड में, ब्रिक वॉल के चारों साइड में प्रोजेक्शन है, जो कि ब्रिक वॉल 30 सेंटीमीटर थिकनेस की है, और उसे हमें कवर करना है एक आरसीसी कवर का। आरसीसी कवर हमें है 12 सेंटीमीटर थिकनेस का, 1-2-4 रेशियो का है, ठीक है। सपोर्टेड ऑन वॉल्स लिखा हुआ है, दीवार के ऊपर ढक्कन रखा हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर मोटा। हमें क्वांटिटी क्या क्या निकालनी है, देखिए, अर्थवर्क निकालना है, बेस कंक्रीट, ब्रिक मेसनरी, इनसाइड प्लास्टर, ये चार आइटम निकालने हैं। इनसाइड प्लास्टर जो है वॉल में और फ्लोर में दोनों में निकालना है, 1-3 रेशियो का है। इतना निकालने के बाद हमारा एक और पार्ट इसी में पूछ लिया है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन 2, 3, 4, यानी कि हमारा जो ये बेस कंक्रीट था इसमें कौन कौन सा मटेरियल कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा वो, एंड ब्रिक मेसनरी में भी मटेरियल निकालना है, कितना ब्रिक्स रहेगा, कितना आपका सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, और इनसाइड प्लास्टर जो है। तो हमें इसमें इन सभी में जो है, जैसे ब्रिक मेसनरी में बताना है कितना ईटा लगेगा, कितना सीमेंट और कितना गिट्टी, सॉरी, कितना सैंड। तो अब जो है हमें प्लास्टर जो है अंदर में कितना स्क्वायर मीटर है, उसमें कितना सीमेंट लगेगा, उसमें कितना सैंड लगेगा, वो सारी चीज़ें इसमें, मतलब सभी चारों का मटेरियल्स निकालना है। तो हम चलिए इसको थोड़ा सा जो दिया हुआ है उसका हमने फिगर बनाया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो इसका देखिए दिया हुआ है, अंदर में 3 मीटर लंबा है, तो मैंने ये बना दिया 3 मीटर लंबा, और अंदर से अंदर जो हाइट है ये दिया हुआ है कितना, 220 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, 2.20 मीटर दिया है, तो 220 सेंटीमीटर ये हो गया। 30 सेंटीमीटर मोटा ठीक है ब्रिक वर्क, 1:6 रेशियो का, नीचे कंक्रीट है जो कि 1-3-6 15 सेंटीमीटर मोटा है, और 10 सेंटीमीटर बाहर की ओर प्रोजेक्शन है, यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, और इसी का मैंने प्लान बनाने की कोशिश की है। ये 100 सेंटीमीटर है इसकी चौड़ाई, 3 मीटर है लंबाई, और ऊंचाई तो इसमें 220 हमने दिखा ही दिया है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, हमने ये पहले से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया है, आइटम नंबर, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम, नंबर्स, लेंथ, ब्रिथ, हाइट या डेप्थ, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी मैं कैलकुलेट नहीं किया हूँ, देखिए आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलसी से। तो अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन 1 नंबर, इसका एल जो है हमारा कितना होगा, देखिए 3 मीटर अंदर से अंदर है, 30 सेंटीमीटर इस साइड का, 30 सेंटीमीटर इस साइड का, और फिर 10 सेंटीमीटर इधर का प्रोजेक्शन है कंक्रीट, और 10 सेंटीमीटर इधर का है, तो 30 और 30 60 और 10 70 और 10 80, यानी कि 3 मीटर 80 सेंटीमीटर। इसके बाद है ब्रिथ, इसी प्रकार इसमें 100, इसमें भी 30 सेंटीमीटर इधर का, 30 सेंटीमीटर इधर का, 10 सेंटीमीटर कंक्रीट वाला प्रोजेक्शन जो होगा, हमें अर्थवर्क निकालना है तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। और हाइट जो है हमारी कितनी है, 220 अंदर से अंदर है, और 15 सेंटीमीटर नीचे पीसीसी है, और ऊपर का देखिए जो हमारा ये आरसीसी का ढक्कन रहता है ऊपर में जो कास्टिंग हुई रहती है, उसको हम लगभग ग्राउंड लेवल से ऊपर रखते हैं, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें। तो हमारा ये 220 और 15 सेंटीमीटर इसकी मोटाई, तो हमारी हो जाएगी कितनी, 235, ये है 2 मीटर 35 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन देखिए कितना ईजी है, 3 मार्क्स हमारे हो गए। इसके बाद है पीसीसी 1-3-6, इसमें भी हमारा जितना अर्थवर्क रहता है उतना ही हम उतने ही एरिया में पीसीसी करते हैं, और हमारा यहाँ पर जो है हाइट या डेप्थ जो है वो हमारी कम हो जाएगी, यहाँ 2.35 था, यहाँ 0.15 हो जाएगा, बाकी ये लेंथ और ब्रिथ तो वैसे ही निकालेंगे। ये भी हमारे 3 मार्क्स यानी 6 मार्क्स, देखिए कितना ईजी से हो गया। इसके बाद है ब्रिक मेसनरी लॉन्ग वॉल, ये देखिए यहाँ पर अंदर से अंदर कितने हैं, 3 मीटर है,
तो यहाँ पर जो है हमें इसका वो निकालना है, लेंथ निकालनी है। तो लॉन्ग वाल में हम ये इसको और लंबा थोड़ा सा कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, तो हमारा यानी कि ये पूरा ये वाला भी पोर्शन ऐड हो जाता है, ये लॉन्ग वाल हो गया। तो लॉन्ग वाल ये 3 मीटर और 30 इधर और 30 इधर, 60 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा, तो हमारा ये 360 हुआ। इसकी ब्रिथ तो जो है दीवार की 30 सेंटीमीटर, हाइट जो है 220 अंदर से अंदर, जहाँ तक हमें ब्रिक मेसनरी करना है। तो यहाँ पर क्वांटिटी निकाल लीजिएगा। इसी प्रकार शॉर्ट वाल 2 नंबर, इस साइड आमने सामने की ये छोटी वाली, इसमें भी कितना है। अब ये अंदर वाली इधर की, तो ये वाला तो हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पूरा। अब बचा क्या, यही ना बचा अंदर से अंदर। तो ये हमारा 1 मीटर 2 नंबर, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर मोटाई और 2 20 हाइट। तो हमारा यहाँ से क्वांटिटी आ जाएगी ब्रिक वर्क की। इसके बाद है प्लास्टर। प्लास्टर जो है लॉन्ग वॉल अंदर अंदर प्लास्टर करना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है इनसाइड प्लास्टर। तो हमारी ये जो है 3 मीटर, ये 2 नंबर लॉन्ग वॉल, 3 मीटर हाइट जो है 2 20 अंदर से अंदर प्लास्टर होगा। शॉर्ट वॉल 2 नंबर, 1 मीटर लंबाई है इसकी, ये वाला पोर्शन पे हमारा प्लास्टर होगा और इधर वाले पे होगा, ठीक है। तो 1 मीटर 2 नंबर हो गया, 1 मीटर हो गया, हाइट 2 20 है ही, यहाँ से भी क्वांटिटी आ जाएगी। ये फ्लोर है, फ्लोर एरिया हमारा कितना है, 300 बाई 100। तो 1 नंबर 300 ब्रिथ में हमारे यहाँ पर जो है, इसको चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं 1.00, इसलिए कि इसमें हाइट या डेप्थ हमारा नहीं है। तो चाहे यहाँ लिखे, यहाँ लिखे बात बराबर है, हमें हमारा यहाँ पर जो क्वांटिटी होगी वो स्क्वायर मीटर में आएगी, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर मीटर में टोटल हो गया। तो हमारे यहाँ पर ये सारी क्वांटिटीज आ गई। तो हमारा आइटम नंबर 2 में और ये 3 में और ये 4 में, इसमें कितना मटेरियल क्या लग रहा है, कितना सीमेंट है आपका, कितना सीमेंट है, कितना सैंड है, कितना एग्रीगेट है और कितना ब्रिक्स हैं, ये सब हमें जो है निकालना है। तो हमारा इस तरह से ये 4 मार्क्स का था, ये 6 मार्क्स का था ब्रिक मेसनरी, और ये 4 यानी कि 3 3 6 12 और 4 16 मार्क्स हमारे पूरे हो गए। 4 मार्क्स का पार्ट इसका बचा हुआ है जो मटेरियल्स कैलकुलेट करना है, तो वो हमने QSC फर्स्ट में देखा हुआ है, उसको एक बार कोशिश करें। नहीं होगा तो फिर जैसा आप बोलेंगे तो उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।